अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो भाई और दोस्तों, ये हमने एक नया सेटअप बनाया अपने खरगोशों के लिए। ये हमारे पास न्यूज़ीलैंड वाइट के जो खरगोश हैं उनके लिए हमने एक नया सेटअप बनाया और आज आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि माशाल्लाह इस मादी के साथ अभी दो बच्चे इससे हमने दो बच्चे जो है वो सेल किए थे और ये दो बच्चे साथ में इसकी माएँ और इसके अलावा एक मादी, ये इन्होंने भी बच्चे दिए हुए, इसके बच्चे भी अंदर हैं। ये बच्चे भाई दोस्तों, ये इन्होंने तीन बच्चे दिए थे तो माशाल्लाह ये भी बाहर आ जाते फिर अंदर भाग जाते। अच्छा, इसके अलावा आज एक और मादी ने बच्चे दिए रात को, तो वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। और अभी तक मैंने गिने नहीं कि वो कितने बच्चे, तो वो भी देखते हैं। तो चलो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और गिन भी लेंगे कि कितने बच्चे दिए। अच्छा भाई दोस्तों, ये कि आपने आपकी मादी जब भी बच्चे दे तो उसके लिए आपने पहले से इंतज़ाम करना है, जैसे कि हमने ये पहले से पेटी बनाई हुई है। तो चलो, अगर ये लोहे का केज भी है चाहे जो भी हो तो इनके लिए काफ़ी सहूलत होती है। दूसरी बात ये कि पराली से आपने इनके केज को फिर भरना है तो ये ख़ुद ब खुद अंदर लेके जाते हैं और अपने बच्चों के लिए जितना सहूलत इनसे हो सकता है ये उनके लिए इंतज़ाम कर लेते हैं। वो मादी अभी मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ी और ये इन्होंने अपने लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। तो सबसे पहले तो भाई और दोस्तों से दरख्वास्त है कि माशाल्लाह के, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने बच्चे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और आठ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे न्यूज़ीलैंड वाइट की मादा ने आठ बच्चे दिए जो आप दोस्तों के सामने। तो भाइयों दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये मादी भी जिन्होंने ये बच्चे दिए। अच्छा भाई और दोस्तों, तो ये वो मादी जिन्होंने बच्चे दिए थे। माशाल्लाह मादी भी सही हेल्दी एक्टिव है। वो भी थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर छोड़ी, थोड़ा घूमे फिर तो इंशाल्लाह फिर उसको बंद कर दूँ। भाइयों दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इंशाल्लाह हमारे नए आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वस्सलाम।